नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे NTT शिक्षक भर्ती के बारे में। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भर्ती होने वाले 4000 NTT पदों का रिव्यू होगा। सरकार नए सिरे से NTT भर्ती करेगी। शिक्षा विभाग ने NTT भर्ती फाइल सरकार को भेज दी है। अब नई सरकार NTT भर्ती के नियमों को दूसरी बार बनाएगी। वहीं आउटसोर्स की बजाय अनुबंध के आधार पर NTT भर्ती को किया जा सकता है। इसके अलावा NTT भर्ती में 1 व 2 साल के डिप्लोमा धारकों को भी राहत देने की तैयारी सरकार की है। फिलहाल शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि NTT भर्ती का मामला नई सरकार को भेज दिया है। वहीं नए नियमों के तहत इस भर्ती को अब अमलीजामा पहनाया जाएगा। स्कूलों में ज़रूरत के हिसाब से NTT शिक्षकों को भेजा जाएगा। इससे पहले NTT भर्ती को लेकर पूर्व सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन को जिम्मा सौंपा था। आउटसोर्स के आधार पर भर्ती करने के निर्देश जारी कर दिए थे। NTT भर्ती की उम्मीद लगाए बैठे बेरोजगार युवाओं को भर्ती के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। नए तरीके से प्री नर्सरी टीचर भर्ती होगी। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वालों और आंगनबाड़ी वर्करों को भी प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती में प्राथमिकता दिए जाने का प्रस्ताव है। 1 या 2 साल के नर्सरी टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा में किसे भर्ती में प्राथमिकता दी जाए, इसको लेकर भी फैसला हो सकता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के चयन को लेकर भी संशय की स्थिति बनी हुई है। शिक्षा विभाग इन पहलुओं को लेकर नई सरकार से चर्चा करेगा। 50,000 छात्रों के पास कोई भी शिक्षक नहीं है। छात्रों के अभिभावकों ने अपने बच्चों के दाखिले सरकारी स्कूल में करवा दिए, लेकिन अब उन्हें पढ़ाने के लिए अलग से शिक्षक नहीं है। NTT भर्ती पे कोई भी फैसला आते ही मैं अपने YouTube चैनल पे अपडेट कर दूंगा। धन्यवाद।